हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स के फुल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पर आपको क्लास 10 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट है पॉली, जिसका मतलब होता है मेनी। दूसरा है नोमियल, जिसका मतलब होता है टर्म्स। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया? पॉलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म्स, मेनी टर्म्स। अब हम समझेंगे ये टर्म्स क्या होते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3x प्लस 4y माइनस 7z। ठीक है, यहां पे थ्री टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। ठीक है, टर्म को पहचानते कैसे हैं? उनके बीच में या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन नहीं होगा, सिर्फ प्लस या माइनस। तो देखिए, यहां पर प्लस साइन है, यहां माइनस साइन है। तो यहां पर क्या हो गया, एक टर्म आपका ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया और तीसरा टर्म ये हो गया। ठीक है, अब इसे मैं 3x को अलग कर रहा हूं। 3 को कहते हैं कोफिशियंट ऑफ x, x में जो चीज मल्टीप्लाई होता है उसको कहते हैं उसको कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ x। ठीक है, और x को कहते हैं वेरिएबल। सिमिलरली आप कह सकते हैं, जैसे 4y है, 4y में y का कोफिशियंट क्या है? 4, और y क्या है? वेरिएबल। अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट टाइप लिया मैंने मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन। अगर किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म है तो उसको कहते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिख रहा हूं 3x स्क्वायर, तो ये क्या है? मोनोमियल का एग्जांपल है। मैं लिखता हूं 5y स्क्वायर, ये क्या है? मोनोमियल है। कोई जरूरी नहीं स्क्वायर हो, आप सिंगल भी ले सकते हैं। 4x, ये क्या है? मोनोमियल। सेकेंड टाइप है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाय का मतलब होता है टू। अगर किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है तो उसको कहते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल, 2x प्लस 3y, ये क्या है? बाइनोमियल, क्योंकि यहां पे दो टर्म है, 2x और 3y। 2x स्क्वायर माइनस 13y, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि यहां पे दो टर्म है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है थ्री। अगर किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में थ्री टर्म है तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल, ax प्लस by प्लस cz, या माइनस, ये कुछ भी ले सकते हैं, ये ट्राइनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पे थ्री टर्म है, ax by cz। अब डिस्कस करेंगे हम पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसका सिंपल मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। लिख लेता हूं मैं इसको, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसे पॉलिनोमियल। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक 2x प्लस 3। अब मैं पूछ रहा हूं कि इसका डिग्री कितना होगा। आप देखिए, आप वेरिएबल क्या है? x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। अगर मैं लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2, क्योंकि वेरिएबल क्या है? x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। यहां पे 1 है, मैंने बोला था मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। आगे पढ़ना है आपको पॉलिनोमियल। और ये एग्जांपल था आपका लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, ax³ + bx² + cx + d। डिग्री कितनी है इसकी? 3, क्यों? वेरिएबल x है और इसका हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री इज 3। आई होप आप समझ गए होंगे डिग्री कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अगर 4 होता तो 4 होता डिग्री, 5 होगा हाईएस्ट पावर तो 5 होगा। ठीक है,